हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी बस अगर आपने जैड का फॉर्म लेट फिल किया है या फिर अभी तक आपने प्रेपरेशन करने स्टार्ट नहीं करी एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन जिसमें आप जो आपके पास 20 25 डेज बचे हैं उसमें आप बेस्ट तरीके से अपनी प्रेपरेशन कर पाओ एंड मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप जैड के सारे के सारे टॉपिक्स मॉर्स प्रीवियसअर सॉल्व कर लो तो इस वीडियो में मैं लॉन्च कर रहा हूं जैट का जो स्टार्ट हो रहा है पूरी पूरी कंडीशन एक ही है कि आपको डेली सेवन टू एट आवर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी तो अगर आप डेली बेसिस पे सेवन टू एट आवर्स डिवोट करने के लिए रेडी हो एंड एक सीरियस एक्सपेरेंट जो जैट एग्जाम को क्रैक करना चाहता है तो भाई आप इस कोर्स के डिटेल्स देखना एंड देन आप इस कोर्स एनरोल कर सकते हैं तो आपको पूरी पूरी डिटेल शेयर कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कैसे आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है सो माय नेम इज सौरभ लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बज एजुकेशन इसको फॉलो कर लेना या डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स क्वान शॉर्टकट वोकैबरी वर्ड आपको मिलते रहते हैं अगर आप देखते हो क्रैश कोर्स के रिजल्ट कैसे रहे हैं तो ये लास्ट ईयर ये के भाई रिजल्ट्स है जिन बच्चों ने ज्वाइन किया था 99.69 परसेंटाइल मयंक परसेंट आई थी एंड ही वाज वेरी मच डीमोटिवेटेड आफ्टर कैट भाई उसका ना में अच्छा रिजल्ट आया था ना कैट में अच्छा रिजल्ट आया था लेकिन ZAT में भाई 99.69 परसेंटाइल इसी तरह से अगर आप आशीष देखोगे नाइनटी अगेन क्रैश कोर्स स्टूडेंट द कोर्स वॉज अमेजिंग सक्षम मेहरोट थैंक्स फॉर द अमेजिंग कॉन्टेंट मयूर नाइनटी एट पॉइंट कोर्स वॉज परफेक्ट उसके बाद रोहित नागर एक्ट कोर्स तरह से आप देख सकते हो काफी सारे स्टूडेंट ने क्रैक किया था तो अगर आप एक सीरियस एक्सपेरेंट हो डेली बेसिस जो मैं प्लानर शेयर कर रहा हूँ उसको फॉलो करने के लिए तैयार हो देन यू आर इन अ वेरी गुड पोजिशन जहां पे आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे अगर आप अपना टारगेट स्कोर देखोगे तो लास्ट ईयर आप देख सकते हो अप्रॉक्सिमेट थर्टी मार्क्स पर भाई आपकी नाइन फाइव परसेंट बन रही है तो काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि एग्जाम तो बहुत डिफिकल्ट है लेकिन ऐसा नहीं है वो एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है डिफरेंट है ठीक है तो अगर आप पार्ट ए देखोगे अपने एग्जाम का तो उसमें भाई आपके कितने होते हैं सेवन सेवन क्वेश्चन आपके सेवेंटी फाइव मार्क्स के होते हैं एंड लास्ट ईयर थर्टी मार्क्स पर आपके नाइन्टी फाइव परसेंटाइल आ गई थी तो ऐसा नहीं है भाई अगर एग्जाम डिफिकल्ट है तो भाई कर ही नहीं सकता अगर एग्जाम डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे विच इज अगेन अचीवेबल ठीक है तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है टेंथ ऑफ दिसंबर से इस बैच में आपको एक डिटेल प्लानर मिलेगा आपको अभी शो करने वाला किस तरह का प्लानर है जिसमें आपका एक एक टॉपिक कवर हो जाएगा क्वांट का एलआरडी का वर्बल का डिसीजन मेकिंग का जीके का बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा का पूरा जैट सिलेबस ठीक है इस कोर्स को आप अपने लैपटॉप में एक्टिवेट कर सकते हो एंड्रॉइड फोन में एक्टिवेट कर सकते हो एंड इन वीडियोस को आप रिवाइज भी कर सकते हो एग्जाम तक इफ रिक्वायर्ड ठीक है वीडियोस के साथ साथ आपको फाइव जैड के फुल लेंथ मॉक्स प्रोवाइड करेंगे विद डिटेल सोल्यूशन एनालिसिस ताकि किस टाइप के लेटेस्ट क्वेश्चन बन रहे एंड ट्रेंडिंग क्वेश्चन किस टाइप के हैं वो सारे के सारे चीजें आप सॉल्व कर पाओ इसके साथ ही आपको टेन प्रीवियस ईयर के मॉक्स प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद सॉल्यूशन क्योंकि जैड में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं सो so दैट भाई आपको यहाँ पे आइडिया लग जाए एंड मॉक की फॉर्म में होगा तो आपकी मॉक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है जैट एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन किया गया है पूरा डेडिकेटेड होके तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो टोटल तो इसका तो 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 जो, जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज थर्टी फाइव हंड्रेड फॉर ऑल द वीडियोज डिसीजन मेकिंग वर्बल क्वांट्स एल आर डी आई एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स एज वेल एंड अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो जिसमें आपको फाइव फुल मॉक्स एंड टेन ईयर पेपर मिल जाएंगे तो दैट यू कैन अवेल अब अगर आप देखोगे प्लान जो है ये किस तरह के काम करेगा तो आपके एग्जाम में सेवेंटी फाइव क्वेश्चन आने हैं 26 वर्बल के 21 डिसीजन मेकिंग के एंड 28 क्वांट्स के ठीक है तो अब अगर आप देखोगे कि किसी भी एक सेक्शन को आप अगर स्ट्रॉन्ग कर लो या तीनों सेक्शन में आप 10 10 10 ले आओ तो आपका अप्रोक्सीमेट 30 के आसपास स्कोर बन गया लेकिन मैं कह रहा हूं अगर हम चाहते हैं एक सेफ स्कोर आ जाए तो 35 प्लस टारगेट करो तो किसी भी एक सेक्शन में अगर आपके फिफ्टीन आ जाते हैं बाकी दोनों में आप टेन टेन ले आओ तो भाई आप एक काफी कंफर्टेबल पोजिशन में आ जाओ तो नहीं अचीव नहीं किया जा सकता कोई ना कोई एक सेक्शन ऐसा जरूर हो सकता है जो आपका स्ट्रेंथ एरिया बन सकता है बाकी दो सेक्शन में अगर आप मॉडरेट भी परफॉर्म करोगे तो इजीली क्रैक कर सकते हो जो आपका पार्ट टू होता है जीके का इसका जो स्कोर है वो आपके एंट्रेंस में काउंट नहीं होता है जो कट ऑफ होती है वो आपके शुरू के इन्हीं तीन सब्जेक्ट से मतलब इस सेवेंटी में से ही आपकी कट ऑफ बनती है अब अगर हम प्लानर देखें ट्वेंटी डेज का तो वर्बल एबिलिटी डिसीजन मेकिंग क्वांट्स एंड जनरल नॉलेज चारों सेक्शन में आपको करा रहा हूं हमारी हर एक वीडियो जो होती है वो वन आर की होती है ठीक है तो वन आर की आपकी वीडियो होती है एंड डेली बेसिस पे आपको भाई चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो अप्रोक्सिमेट फोर आवर्स की आपको डेली वीडियोस देखनी है देन आपको थ्री आर का मॉक लगाना है तो सेवन आवर्स ये हो गए देन वन आर आपको रिवाइज करना है या मॉक का एनालिसिस करना है सो so दैट आपका डेली का टारगेट अचीव होता रहे मेरा फोकस रहा है कि हर एक टॉपिक पे आपका पूरा डिटेल फोकस रहे एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए तो डे वन पे तो हम लोग डायग्नोसिस मॉक देंगे ताकि हमें पता चल जाए ट्वेंटी ट्वेंटी के अकॉर्डिंग हम करेंटली कहा स्टैंड करते हैं देन आप यहाँ पे आरसी वन का लेक्चर देखोगे इधर डिसीजन मेकिंग वन देखोगे इधर आप टाइम एंड वर्क फिनिश करोगे जनरल नॉलेज में जनवरी और फेब्रवरी की करंट अफेयर्स देखोगे देन ट्वेल्थ दिसंबर को एनोलॉजी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पाइप्स एंड सिस्टम एवरेजिस इधर मार्च अप्रैल इसी तरह से चलता रहेगा क्योंकि इसके वर्बल में आपके आरसीज भी आते हैं वो कैप भी आता है ग्रामर एरर भी आता है फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है पैरा जम्बल्स भी आता है तो वो सारे टॉपिक्स मैंने स्ट्रक्चर्ड आपको वीडियोस दे दिए हैं इसी ऑर्डर में आप वीडियोस देखोगे तो आपका मिनिमम पॉसिबल टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा मेकिंग की बात करें तो पूरे कॉन्सेप्ट अप्रोच क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई गई एंड क्वांट्स में हम यहाँ पे कर रहे हैं पूरा पूरा अरिथमेटिक देन नंबर सिस्टम और इधर जीके में करंट अफेयर्स हमारा फिनिश हो जाएगा फिर स्टेटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे इकोनॉमी हो गया कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी बॉडीज गवर्नमेंट बॉडीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देन अवार्ड्स हो गया स्पोर्ट्स हो गया बुक्स एंड ऑथर्स ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे उसके बाद आप देखोगे तो आपके पूरा पूरा वर्बल सेक्शन फिनिश हो जाएगा थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक एंड अगर आप यहाँ डीआई देखोगे आपका डीआई भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि डीआई के एक या दो क्वेश्चन आप क्वांट्स में देखते हो देन एलआर के भी हम दो तीन टॉपिक कर लेंगे क्योंकि कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है एंड देन ज्योमेट्री एल्जेब्रा और मॉडर्न मैथ्स में क्वाइंट्स में खत्म करोगे एंड यहाँ पे जीके खत्म हो जाएगा उसके बाद क्योंकि अब हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए हैं तो जैड के फुल लेंथ मॉक्स आपको प्रोवाइड होंगे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं तो जैड मॉक वन टू थ्री एंड फोर एंड देन फर्स्ट जनवरी को हम जेट मॉक फाइव लिखेंगे एंड सेकंड जनवरी को हम फाइनली अपना रिविजन करेंगे कुछ फॉर्मुलेस वगैरह देखने हैं वो देख लेंगे एंड थर्ड जनवरी को हमारा एग्जाम होगा तो ये पूरा का पूरा पेपर पैटर्न है पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जा रहा है कंडीशन मैंने आपको बता दी भाई पढ़ना तो पड़ेगा ठीक है तो टू आवर्स अगर आप डिवोट करने के लिए रेडी हो तभी इस कोर्स को ज्वाइन करना फ्रूटफुल तभी रहेगा अगर आपको लगता है नहीं भाई अभी भी मेरे अंदर वो पढ़ाई वाला एटीट्यूड नहीं है मैं पढ़ नहीं सकता तो फिर कोई पॉइंट नहीं है फिर आपके लिए कोर्स हेल्पफुल नहीं रहेगा ठीक है कट ऑफ अगर आप देखना चाहते हो तो एक्सल की कट ऑफ नाइन्टी फाइव परसेंटाइल रही थी बीएम के लिए मेल में फीमेल के लिए नाइन्टी थ्री परसेंटाइल एंड अगर आप एचआरएम के लिए जाना चाहते हो मेल के लिए लास्ट ईयर नाइन्टी थ्री थी फीमेल के लिए नाइन्टी वन अगर इंजीनियर है और अगर नॉन इंजीनियर है तो नाइनटी और एट्टी एट परसेंट है तो ये अपना आप टारगेट सेट कर सकते हो जिसके बाद आप एक अच्छे स्पेस में आ जाओगे एंड अगर आप कन्वर्जन के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो नाइनटी एट प्लस परसेंटाइल पे आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा आपके अच्छे चांसेस बन जाएंगे जिससे आप इजिली एग्जाम में कन्वर्जन एंड फाइनल इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे ठीक है तो ये मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है ट्वेंटी डेज अगर आप अपने आप को फोकस करके पढ़ाई करो तो इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है मेहनत ज़रूर लगेगी एंड एक बारी मेहनत करनी है अपने आप से कमिट कर लो कि ये ट्वेंटी डेज में भाई एफर्ट लगाने वाला हूँ चाहे मेरा कैट खराब हुआ था चाहे मैंने कैट अटेम्प्ट किया था नहीं किया था जैड पे मेरा फोकस होना चाहिए बिकॉज काफी सारे टॉप इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आप एंटर कर सकते हो चाहे वो एक्सेलराई हो आई गाजियाबाद हो एक्साई हो ग्रेट लेक्स हो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो तो काफी सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं और अगर आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो बैच स्टार्ट हो रहा है टेंथ दिसंबर से अब एक भी दिन डिले मत करना बिकॉज अब हमारा बिल्कुल टाइट स्किड्यूल बना हुआ है सेवन टू एट आवर्स का और डेली बेसिस पे आपको वो फॉलो भी करना है ताकि कुछ भी मिस आपका ना हो ठीक है एंड वेबसाइट हमारी स्टडी बस डॉट को डॉट इन यहाँ पर जाके भी आप एनरोलमेंट डायरेक्टली कर सकते हो सो ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच एंड टेक केयर